हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मोटो जी 32 डिवाइस के बारे में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक गाइस, हाउ टू यूज़ पिक डिस्प्ले फीचर। सो गाइस, आपको अपने डिवाइस में गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले गाइस किस प्रकार से यूज़ करना है। सो गाइस, इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। उससे पहले गाइस, आपको सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, एंड गाइस बेल आइकन को भी ऑल पे आपको सेट कर लेना है। सो गाइस, पिक डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, आपके डिवाइस में यह फीचर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह ही वर्क करता है। तो गाइस, आपको अपने इसमें पिक डिस्प्ले ऑन करने के लिए गाइस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करने के लिए आपको अपने इसमें सेटिंग्स में चले जाना है। इनके सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस, आपको कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस आपको शो करता है। गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इनके यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना है। इनके डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको पिक डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, आपको पिक डिस्प्ले पे क्लिक कर लेना है। पिक डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको इसे यूज़ पिक डिस्प्ले को ऑन कर लेना है। यूज़ पिक डिस्प्ले को ऑन करेंगे तो गाइस, आपके डिवाइस में आपका पिक डिस्प्ले ऑन हो जाता है, जिससे गाइस आपके डिवाइस में आपको पिक डिस्प्ले में आपको डेट, बैटरी परसेंटेज एंड गाइस एप नोटिफिकेशन आपकी ऑफ स्क्रीन पर भी शो करता है। सो गाइस, इस प्रकार से गाइस आप अपने डिवाइस में पिक डिस्प्ले फीचर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।